हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हमारे पास दो कारतूस हैं, एक है राइफल स्लग और दूसरा है बॉल स्लग। आज हम इन दोनों का फायरिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सा कारतूस ज़्यादा गहरा जाता है। तो इनका फायरिंग टेस्ट हम जिस चीज़ पे करें हैं वो है लकड़ी के ब्लॉक। ये लगभग 4 इंच मोटे हैं, आप देख सकते हैं। तो हम इन पे फायर करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा कारतूस ज़्यादा गहरा जाता है। चलिए अब हम राइफल स्लग लोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, गोली इसमें लगी है और काफी गहरी गई हुई है। निशान इसका काफी स्मूथ है, बिल्कुल गोली सीधी लगी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बॉल स्लग से फायर करके देखते हैं। चलिए अब हम बॉल स्लग लोड करते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बॉल स्लग का निशान है, ये भी लगभग सेम लग रहा है। हम इन्हें क्या करते हैं, किसी चीज की मदद से खोद के देखते हैं कितनी गहरी गई है। तो फ्रेंड, ये जो है ये बॉल स्लग का है, इसे हम देखते हैं कितनी गहरी गई है। तो अब देखिए, हमें वेड अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। ये वेड देखिए, ये वेड भी इसके साथ ही घुस गई है। बाकी के टुकड़े भी निकालने की कोशिश की, ये देखिए।
अब ये वेड का ना लास्ट टुकड़ा रह गया है, अब हम क्या करते हैं इसे भी निकालते हैं। तो अब हम गोली को साफ तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए ये गोली है, ये 2.5 इंच गहरी गई है। अब हम दूसरी को भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड अब दोनों गोलियां एक्सपोज हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं दोनों गोलियां हमें अच्छे से दिखाई दे रही हैं। ये राइफल स्लग है और ये बॉल स्लग है, इसका हमें पार्ट दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखते हैं ये कितनी गहरी गई हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं जो राइफल स्लग है वो 2 इंच गहरा गया है। अब हम दूसरी गोली मारते हैं, तो फ्रेंड ये 2.1 इंच गहरी गई है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड फाइनली हमने देखा कि ये दोनों स्लग लगभग सेम गहराई तक जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।